मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। लेकर चलते हैं आपको बिहार के अररिया में सीएसपी संचालक को बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया व 3.5 लाख नकदी लूटकर फरार हो गए। मामला अररिया के सुरजापुर बैरगाछी के पास की है। सीएसपी संचालक बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहा था, इसी दौरान 2 बाइक पर 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 3.5 लाख रुपए व जरूरी कागजात छीन फरार हो गया है। घायल व्यक्ति एसबीआई का सीएसपी संचालक है। अररिया से पैसा लेकर वापस घर जा रहा था, तभी 2 बाइक पर 4 की संख्या में अपराधी सीएसपी संचालक को ठोकर मारकर गिरा दिया, फिर सारा पैसा छीन लेकर फरार हो गया है। इसी दौरान एक अपराधी ने सीएसपी संचालक पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली पैर में लगी है। घायल अंजर आलम भूना जो कि हट का निवासी है। घायल को इलाज के लिए अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर कर दिया है। घायल की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। काला पट्टी बना हुआ था, सिर्फ आग निकला हुआ था, सिर्फ आग निकला हुआ था, कोई पहचान में नहीं आया, कोई पहचान में जी नहीं, कोई पहचान में नहीं आया। ये पैसा जो है आप सीएसपी के लिए ले जा रहे थे? हाँ, सीएसपी ले ले, बैंक चलाने ले ले जा रहे थे। हाँ, सीएसपी खाता से सीएसपी पैसा ले जा रहे थे, वही पैसा छीना गया। दोनों लोग भाई? जी, हम दोनों भाई सीएसपी हैं और बैंक से पैसा ले जा रहे थे कस्टमर को बांटने के लिए, कस्टमर पैसा छीना गया। 4 बाइक से अब सवार अपराधी? हाँ, 4 बाइक सवार आया और हम लोगों को आगे गाड़ी रोक करके, हाँ जो है पहले गाड़ी लेके हमको ठोकर मारा, हम लोग लड़का गिर गए, फिर वो लोग गाड़ी रोक करके हम लोग छीना छिपटी किया, छीना छिपटी कर करके फिर जो है कि जाते जाते गोली मार के चले गया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रफत आलम है।